नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बिगड़ी तबीयत, एम्स में हुए भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री को दो दिन से हल्का बुखार होने पर दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और वो लगातार चेस्ट कंजेशन की शिकायत कर रहे थे। एम्स के अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं कांग्रेस सचिव प्रवण झा ने ट्वीट करके कहा है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक है और वो रूटीन इलाज के लिए एम्स पहुंचे हैं। उनका नियमित इलाज चल रहा है, हम आवश्यकता अनुसार अपडेट को साझा करते रहेंगे। मनमोहन सिंह का इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से भी संक्रमित हो गए थे, उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। सिंह को हल्का बुखार होने के बाद जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला था। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।